अंकित, अ पैशनेट मैनेजर, इज फॉर्मिंग अ टीम फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट. ही अरेंज एट डिफरेंट टीम मेंबर्स ए टू एच विद यूनिक स्किल लेवल्स इन अ ग्रिड फॉर्मेशन एज शोन इन द डायग्राम. ऑल्सो ईच ऑफ द परफॉर्मेंस रीडिंग वैल्यूज व प्राइम नंबर्स बिलो 30. सबसे पहले लिख लो प्राइम नंबर्स बिलो 30 क्या क्या है. 2, 3, 5, टू थ्री फाइव सेवन, इलेवन, सेवन थर्टीन, इलेवन थर्टीन ट्वेंटी सेवनटीन, 19, 23, 29. कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और 10 में से 8 तो इनको ही देना है. समझ में आता है? आगे चलते हैं. इन द डायग्राम एबीसीडी स्मॉल वाले जो है रिप्रेजेंट द रेटिंग्स ऑफ टीम मेंबर्स एबीसीडी ईएफजीएच रिस्पेक्टिव. ठीक है. अंकित डिफाइंड अ पेयर ऑफ बॉक्स इन द फॉलोइंग वे. इफ द बॉक्सेस कंटेनिंग टू टीम मेंबर्स शेयर एन एच और कॉर्नर, दोस्त टीम मेंबर्स आर कॉल्ड टीममेट्स. अदरवाइज यदि एज या कॉर्नर कुछ भी कॉमन आ रहा है तो वो टीममेट है, अदरवाइज दे आर ओपोनेंट्स. फर्दर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टीममेट्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द बॉक्सेस. दोस्त शेयरिंग वर्टिकल एज आर कॉल्ड वर्टिकल बॉडीज लाइक बी एंड ई. अरे यार ये कैसे बोला? वर्टिकल एज मतलब ये एज कॉमन आ रही है ना इनमें, वर्टिकल वाली, तो वर्टिकल बॉडीज हो गए. ए और सी, ए और सी में भी वर्टिकली कॉमन आ रहा नहीं है, तो वर्टिकल बॉडीज हो गए. सर देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टली कॉमन नहीं है, मेरे मतलब को भी यही था. एक्चुअली. इन्होंने गलत, ये पता नहीं क्यों बोला है. कॉमन तो बेटा ये माना जाएगा, हाँ भाई और यदि ये कॉमन है तो ये तो हॉरिजॉन्टल हुआ ना. पता नहीं इन्होंने कैसे बोला है. हॉरिजॉन्टल एज को साइड बॉडीज का है, हॉरिजॉन्टल एज बोले तो. अब इन्होंने बी और सी को कहा है हॉरिजॉन्टल, एफ और जी को कहा है हॉरिजॉन्टल. ठीक है. कॉर्नर जो शेयर कर रहे हैं उनको डायगनल बॉडीज का है. ठीक है, समझ में आता है? यहां तक तो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, इजी चल रहा है. द मेंबर्स वर अरेंज इन सच ए वे दैट नो टू टीम मेंबर्स विद कंसेक्यूटिव प्राइम वैल्यूज फॉर देयर परफॉर्मेंस रेटिंग वर टीममेट्स. फॉर एग्जांपल, इफ वन ऑफ द टीम मेंबर हैज रेटिंग ऑफ 3 एंड अनदर हैज 5, तो ये ओपोनेंट ही होने चाहिए. तो यार इसमें एक काम करेंगे, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो टीममेट कौन हो सकता है, ओपोनेंट कौन हो हाँ सकता है. क्योंकि हाँ वो कर यस लेंगे ना तो वैल्यू फिल करना मेरे हिसाब से आसान रहेगा. इसको हटा देता हूँ, यस इसको तो सर यूज कर लिया अपन ने, इसको कर देते हैं बड़ा और इसमें लिखते हैं. क्या लगता है बच्चों, टीममेट तो कौन कौन होगा और ओपोनेंट कौन कौन होगा, कैसे करें? एक से शुरू करें, जैसे एक ए से ओपोनेंट शुरू बी एफ करते बी हैं, एच है ऐसा करके. हाँ ए से शुरू करते हैं. ए यदि एक टीम वन में है, या टीम वन मत लिखो, टीम एक्स लिख दो, तो इसका बड़ी कौन कौन होगा? बीसीडी बी कौन सा डायगनल बड़ी हो गया? डायगनल हो गया, वर्टिकल हो गया, और एक हॉरिजॉन्ट सॉरी एक हाँ ये ये वर्टिकल वर्टिकल हो गया, दो हो गया. डायगनल हो गए. हाँ और ई एफ जी एच ओपोनेंट हो गए. पर आपको नहीं लगता बी और ई तो वो हो गए, सेम टीम हो गई. सर बट वो एक के लिए तो ओपोनेंट नहीं हुआ ई एफ जी एच. सर आप दो कॉलम्स बना लो टीममेट्स और ओपोनेंट्स के. अरे क्या हाँ नीड है? सर वो क्लियरली एक बार उसमें. अरे एक बात मेरे को समझाओ. द टीम वर इन सच ए वे दैट नो टू टीम मेंबर्स विद कॉन्स्टिट्यूटिव प्राइमरी. ये छोड़ो, से पहले वाली इंफॉर्मेशन क्या थी वो एक बार दोबारा पढ़ते हैं. पता नहीं यार, ये क्लियर नहीं है मेरे को तो क्वेश्चन. एनीवे इसके हिसाब से तो फिर मैं इसको दूसरी टीम का ले लेता हूँ, फिर ये भी बाय हो जाएगा. क्या बोलते हो? यस सर मेरे को तो गड़बड़ लग रहा है एक ये. बात बताइए, अगर अपन ने है ना अपोनेंट, अपन के पास तो कोई अपोनेंट होएगा ही नहीं ऐसे, तो एफ और एच भी टीममेट हो जाएंगे वो तो हो ही रहा है, और सी एफ हो जाएंगे, ऐसे तो पूरी टीम ही हो जाएगी, फिर अपोनेंट वही कैसे ना, डिसाइड ये होगा. कैसे कहना चाह रहा है? सर मेरे 14 पेयर्स आए थे टीममेट्स के.
पेयर्स आए थे। अच्छा एक सेकेंड, मतलब यस सर। एक एन फॉर्म टीम विद बी सी डी, इस तरह से करना है क्या ये? सर मैंने ऐसे ही करा था, मतलब एबी की टी, एबी एसी एडी फिर बी बी सी ऐसे करके। सर तो ये 8 लोग हैं और 8 नंबर देने हैं। यार ये तो क्या हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। सम ऑफ ऑल परफॉर्मेंस रेटिंग इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड ईयर सॉर्ट ऑफ फॉर वन पेयर्स वर्टिकल बॉडी। अच्छा तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे देखते हैं कि इनमें से वर्टिकल बॉडीज कौन कौन हो सकते हैं। वर्टिकल बॉडीज कौन कौन हो सकते हैं बताओ। मेरे हिसाब से बी सी हो सकते हैं, पी सी ई एफ टी डी सी डी हो सकते हैं, ई ई एफ एफ हो सकते हाँ हैं और एफ जी हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल बॉडीज कौन कौन हो सकते हैं, ए सी डी बी ई हो सकते हैं, ए सी हो ए सी सकता भी है, हो सी सकता है। हाँ सी एफ एफ हो सकता है, डी जी एफ एच हो सकता है, डी जी हो सकता है, हाँ और डायगनल बॉडीज कौन कौन हो सकते हैं। मेरे हिसाब ए से ए बी बी हो सकता है, ए डी हो सकता है, बी बी एफ एफ हो सकता है, डी एफ हो सकता है, सीई ई सी एच हो जी सकता है, जी एच हो सकता है, सी ई हो सकता है, सी जी सी जी हो सकता है। ठीक है हाँ अब क्या बोला है सर, देयर नो टीम मेंबर्स विद कॉन्सेक्यूटिव प्राइम वैल्यूज फॉर देयर परफॉर्मेंस रेटिंग बट टीममेट्स। सर एक बार ओपोनेंट मान के चल ही लेते हैं ना, मतलब जैसे ए के लिए नहीं ई एफ नहीं जी रहेगा ऐसे करके। सर ये क्या बोला है, रुक जाओ। नो टू टीम मेंबर्स with consecutive prime values for their performing ratings for team. For example, if one team member had a rating of 3 and another had a 5, they must be opponents. मतलब जो consecutive numbers है ना जिनके, वो team नहीं हो सकते। ठीक यस है। Additionally, Ankit observed the following: the sum of the all performance ratings is equal to the product of second highest and second lowest rating value. इन सबका जो सम है ना, एक बार करना है इन सबका सम कितना आ रहा है। ये 10 का सम है, इनमें से 8 ही रखने हैं अपन को, इनका सम करो। कितना आ रहा है सम? 1। 29 29 इनमें से 2 वैल्यू माइनस करनी है अपन को, राइट? यस सर और ये 2 वैल्यू हाँ माइनस करने के बाद द सम ऑफ ऑल द परफॉर्मेंस रेटिंग इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट रेटिंग वैल्यू। सेकंड हाईएस्ट क्या हो सकता है? अरे यार 3 हो सकता है ना एक बार के लिए सर तो। हाँ सेकंड थ्री हाईएस्ट नहीं हो सकता लोएस्ट ना तो 3 हो सकता है। 23 हाँ हाँ और सर ये इनका सम कितना आ रहा है, हाँ 69। और नहीं यार, 26 इसे आ रहा है बहुत ज्यादा सर। कम करेंगे तब फाइव भी इनटू 23 वाला केस आ रहा था है ना, ये तो नहीं ले सकते, फिर क्या लें? सर। आपने 69 फाइव क्या और बोला? 23 ले यदि ली 5 को लिया और 29 को लिया तो कितना हो जाएगा, 145। उतना तो इनका टोटल ही नहीं हो रहा, ये भी नहीं ले सकते। नहीं फाइव 5 और 23 को लिया और 23 को लिया तो कितना हो जाएगा, 115। 1 1 हाँ क्या इनका सम 115 कर सकते हो? 129 में से 14 हटाने हैं, 14 का सेट यस है। 3 और 11 तो क्या ये मैं श्योरिटी से बोल दूं हाँ कि सर 3 तो आ गया नहीं सर है हाँ और 11 नहीं है, ये है। और इन सबका सम कितना हो रहा है, 115। समझ में आ गया बच्चों? यहां यस सर तक सही चल रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, 115 सम। ये फर्स्ट वाला यूज किया। सेकंड, फॉर वन ऑफ द पेयर्स ऑफ वर्टिकल बॉडीज कंबाइंड परफॉर्मेंस रेटिंग इज 25। कंबाइंड 25 करनी है, 25 कंबाइंड 23 और 2 का पेयर कर सकता है।
सिर्फ वही कर सकता है ना, और कोई नहीं नहीं कर सकता क्योंकि भाई वही होगा सर। ऑड लाना है ना, तो एक इवन तो लेना ही पड़ेगा ऑड लाने के लिए। द परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ टीम मेंबर डी इज फोर्थ हाईएस्ट। फोर्थ हाईएस्ट बोले तो सेवेंटीन डी की वैल्यू सेवेंटीन 17 है। ठीक है, समझ में आया। यस सर द टीम मेंबर्स बीज रेटिंग इज हायर देन टीम मेंबर्स इज रेटिंग। टीम मेंबर बी इज रेटिंग, बी इज ग्रेटर देन ई। ठीक है, द रेटिंग ऑफ टीम मेंबर जी इज हायर देन दैट ऑफ ए, जी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, बस ये कंडीशन थी बच्चों। हाँ सर अब यस सर डी किस किस के साथ टीम है? डी कहीं ना कहीं सी के साथ टीम है, डी कहीं ना कहीं ए के साथ टीम है, डी कहीं ना कहीं एफ के साथ टीम है कि नहीं? सर डी और जी भी यस सर टीम है। जी के साथ है। तो ये जो टीम मेंबर है ना, ये कॉन्सिक्यूटिव वैल्यूज नहीं हो सकते। तो ना तो ये वैल्यूज 15 हो सकती, सॉरी 15 क्या 13 हो सकती है, ना ही ये 19 हो सकती है। यस सर तो जो 13 और 19 वैल्यू है ना, ये किस किस की हो सकती है? या तो बी की, या ई की, या एच की। एच की ये समझ में आया सर आपको? हाँ इन ये नहीं आया आपने जो बोला यस ना कंसेक्यूटिव हो सकते हैं नंबर्स। बेटा, ये कंडीशन थी ना कि फॉर कॉन्सिक्यूटिव प्राइम वैल्यूज नहीं होंगी दो टीममेट्स की। तो यदि डी की सेवनटीन अच्छा है, तो डी का जो भी टीम मेंबर रहा है ना, उसकी ना तो 13 हो सकती है, ना ही 19 हो सकती है। आया समझ में? ओके हाँ हाँ ठीक है सर ठीक यस सर। है। तो मैं ऐसा कह रही थी जो वर्टिकल बॉडीज है ना उसमें 2 या 23 हाँ लाना है, डी 17 है तो सी डी वाला पेयर 25 हो नहीं सकता, बी सी वाला पेयर होगा नहीं फिर क्योंकि सी में आ नहीं क्या सकता लाना है, 25 25 लाना है ना इनका? एक वर्टिकल बॉडीज में एक के साथ वर्टिकल बॉडीज 25 हैं तो लाना है। ई एफ एफ जी का ही हो सकता है। तो हाँ, अब ये तो हो नहीं सकता, सी और ये 8 तो ले नहीं हाँ सकता मैं, है और ना? बी सी भी नहीं होगा क्योंकि सी बीसी कुछ हो क्यों नहीं नहीं हो सकता उधर सकता? क्योंकि बीसी क्यों नहीं हो सकता सी दोबारा? का सर सी का वैल्यू डी के साथ की वजह से नहीं हो सकता ना, क्या सी का वैल्यू डी के साथ जो है उसकी वजह से नहीं हो सकता। अच्छा हो तो सकता है सर सॉरी भाई, बीसी का वैल्यू अपन को कितना करना है? एक 25 सम करना है। 25 किस किस का कर सकता हूँ? हाँ 23 और 2 ही बैठ रहा था ना, अपन ने 25 बोला था। 23 तो हाँ। ये 25 और 2 किसका हो सकता है? 23 और 2 किसका हो सकता है, जल्दी बोलो। सर अभी अपन मेरे बाकी हिसाब से के तो नहीं बता वर्टिकल सकते अभी, लेकर लगाएंगे उसका। मेरे हाँ हिसाब से तो सर अभी नहीं बता पा रहे यार, बताइए है ना? तो और क्या कंडीशन यूज करनी चाहिए अब? बी ग्रेटर देन ई इससे ज्यादा है। हाँ बी ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई। सर हाँ बोलो बेटा। आई थिंक वर्टिकल बॉडीज और हॉरिजॉन्टल बॉडीज उल्टे लिए हैं। दोबारा बोलो, मैं समझ नहीं पाया। हाँ यस सर वर्टिकल बॉडीज और हॉरिजॉन्टल बॉडीज उल्टे लिए हैं। उल्टे दिए मैं। सर बी ई वाले वर्टिकल सेकेंड होंगे। रो वर्टिकल है, फर्स्ट रो साइड बॉडीज है। अरे तो ये इन्होंने यही तो डिफाइन किया है। उल्टा ही तो दिया हुआ है ना शायद सर इन्होंने तो। नहीं सर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि वर्टिकल बॉडीज फॉर एग्जाम्पल बी एन ई एंड सी ए एन सी। वर्टिकल बॉडीज बी और ई बोला था क्या? शिट, अरे सर वो जी एज सर, एज से कंफ्यूज हो गए, एज एज वाला। वाला ओ उल्टा दे हो, रखा है। शिट शिट शिट। अच्छा तो ये तो अपने बी सी, ये तो हो गए हॉरिजॉन्टल और ये हो गए वर्टिकल बॉडीज। तो इनका सम एक का 25 आना चाहिए था और पेयर होगा 223 का, राइट? चलो ठीक है, और उसमें से डी 17 है। ठीक है, और सर डी 17 है। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर बी ई एच के पास 13 और 19 वैल्यूज है तो दोनों में हाँ तीनों में से किसी दो की तो होगी।
तो होगी बी ई एच डेफिनेटली। वाले तो वर्टिकल बॉडीज हो ही नहीं सकते, तो सॉरी वर्टिकल क्या 23-2 हो नहीं सकता इनका। एक सेकंड रुकना बच्चों, अच्छा 2 मिनट देना मुझे है ना। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखिए बी और ई में से, बी एच में से 13-19 वैल्यूज तो जाएंगी पक्का है, राइट? हाँ हाँ पर सर बी और ई की 13-19 हो भी सकती है। बी और ई की दोनों की 13 और 19 दे दे एक एक, और उसमें बी बड़ा है तो 19 हाँ दे दे तीन दो। क्योंकि नॉन कॉन्जिक्यूटिव है ना। नहीं वो तो हो सकती है, पर एच की क्यों नहीं हो सकती बेटा? फिर एक सेकंड और सोचने दो जी। 23 वाला पेयर कहाँ दे, डी को 17 दिया। ओहो सर इसमें केस ही बनाना पड़ेगा। वही मेरे को लग रहा है, केस के बिना तो दिख नहीं रहा मुझे होता हुआ। जैसे केस ले लेना, यदि जैसे सपोज करो बी और ई को 19-13 दे देता हूं मैं, उसमें भी यस बी सर ग्रेटर देन है तो तो ये बी 13 ग्रेटर देन ई। हो गया। अब यदि हाँ इतना वैल्यू इससे अपन ने लेकर पढ़ लिया करते हैं ना। ना, तो उसके बेसिस पे अपन डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या वैल्यूज कहाँ आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन क्या वैल्यू ले लें, कोई सी भी ले लो एक। जैसे फॉर ई को एग्जाम्पल 23 नहीं दे सकते, 23 है, 23 यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, 23 यहाँ भी सी नहीं आ को भी नहीं सकता, आ यहाँ भी नहीं आ सकता, सकता, तो 23 एच के में लिए ये दो ऑप्शन आएगा। बचे। हाँ एच ही नहीं, जी भी तो हो सकता है बेटा, यस अच्छा हाँ जी सर हाँ है ना? और यदि मैं जैसे जी को 23 मानता हूं, तो फिर तो डी यहां से और कोई भी जी। पेयर नहीं मिलेगा जो 25 कर देगा, 25 भी तो कराना है। तो हाँ जैसे मैं एच को एफ एच 23 मान लेता हूं, तो F2 हो गया, तो ये हाँ 2 हो गया, ठीक है? अब जैसे एक और वैल्यू बोलो, केस के बिना नहीं हो रहा, ये केस लेना ही पड़ता है। 17 के की वैल्यू ए से बड़ी है। हाँ अब जैसे क्या क्या 3 वैल्यू बची है बच्चों, एक तो बचा है आई थिंक 5, एक 7 और एक 29। 29 बात हाँ ऐसी कि 5 7 यहां तो नहीं आ सकते दोनों, हाँ तो उनमें से एक तो जी के पास जाना पड़ेगा, हाँ है कि नहीं? 5 या 7 में से 29 को एक, बीच में आना पड़ेगा सर। और बचा 29 और 7। यहाँ पे अब ट्वेंटी फाइव नाइन को सेवन में यहाँ से ही एक देना ही आएगा, पड़ेगा। यहाँ 29 ही रखना पड़ेगा, और 5 7 में से दूसरा ही आएगा, हाँ ये हाँ लो, ऐसे हो गया ये हाँ पूरा, सर राइट? जी की ए से बड़ी है तो जी का 7 हो जाएगा, ए का 5। जी की ए से बड़ी है, पर बच्चों हाँ ये बात ध्यान रखनी है, आपने केस लिया है और तकदीर से आई थिंक पहला केस ही बैठ गया। अपन ने जो लिया ना 1913, सर बट रिलाई नहीं कर सकते ना अपन इस केस पे। एक सर बार एच वाला देखते हैं, केस एलिमिनेट हो जाएगा उसमें देखते बैठे। हैं ना यदि हाँ अपने पास क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है बोलो एक बार, उससे आइडिया लग जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? यस सर एक बार सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी ऑफ द टीम मेंबर्स आउट ऑफ ए बी सी एच कैन द यूनिक परफॉर्मेंस रेटिंग बी डिटरमाइंड। ABCH, अब अपना तो 4 हाँ ही आ रहा है, जबकि ये चेक करना मतलब सॉरी पड़ेगा मतलब सब में से मतलब सब आउट में ऑफ से, तो ऑल 4, अपना तो 8 आ रहा है, सबकी बता पा रहे हैं। पर यहाँ पे कहना सर इसमें जल्दीबाजी गिव दिया। होगी, क्योंकि अपन ने एक ही केस ले लिया है, जी समझ सर रहे हो? पर कुछ और करने का भी हो तरीका ये सकता रहेगा, दूसरा है। केस भी चेक करना पड़ेगा, और यदि बन रहा है तो वो भी पॉसिबल होगा। एक और क्वेश्चन देख लो, उससे और श्योरिटी हो जाएगी। सर एक बात बताइए ना, ये जैसे बी इज ग्रेटर देन ई है तो दूसरा केस में अपन या तो जैसे 19 ले लिया ई को फॉर एग्जाम्पल, बी को 19 ले लिया तो फिर उससे छोटा 7 भी हो सकता है ना, ऐसा ना।
हाँ कुछ भी हो सकता है ना बेटा, फिर रिश्ते तो। अगर 13 हाँ नहीं लेते तो हाँ, ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द परफॉर्मेंस रेटिंग्स ऑफ ऑल द टीम मेंबर्स। सर ये तो 115 115 है ना ये तो। है। हाँ हाँ तो कुल हाँ मिला कि हाँ ऐसे ही सेट था, केस सर एक बनेगा। ही वाला केस है। हाँ हाँ बोलो। सर सॉरी, एक बार ये क्वेश्चन था, व्हाट इज द परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ द टीम मेंबर एच। 23 आ रहा है अपना इस केस से तो। उनका भी 23 आ रहा है। मेरे हिसाब से जो दूसरा केस बनेगा ना, उसमें एच की वैल्यू तो 23 आ रही होगी, पर केस बनाना पड़ेगा एक और। ये क्लियर है ना कि केस बनेगा, बिना केस के नहीं, मत कर देना इसको एक केस के बेसिस यस पर। सर। इसका यदि सीबीडी टाइप्स के आप ऑप्शन है तो दूसरा केस देखना पड़ेगा, यदि ऐसे डेफिनेट आंसर मिल रहे हैं तो फिर दूसरा केस चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। हाँ सर सर मैंने केस बनाया था, एच वाला एलिमिनेट हो जाता है तो यही वाला बनता है लास्ट में। हाँ हो सकता है फिर बेटा, फिर कह सकते हैं ना। यस सर। पॉइंट इज कि केस बना के देखना, और एक नहीं कि एक मन से ले लिया और उससे बैठ गया तो उसी को मान लो, वो नहीं करना। ठीक है।